Okay. अक्सर लोग जंगल और जंगली जानवरों से बचकर रहते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो, लेकिन जब बात पानी की आती है तो शायद ही इससे ज्यादा खतरनाक कोई और जगह हो, क्योंकि जंगली जानवर तो फिर भी रहम खा जाते हैं, पर समुद्र और नदियों में रहने वाले जीव जब अपना आतंक दिखाते हैं तो कोई भी बच नहीं पाता, और कई बार तो नजारा इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आप अपनी नजर इस दिल दहला देने वाले नजारे पर डालिए, जहाँ सेंट्रल कैलिफोर्निया में कुछ डाइवर्स डाइविंग करने के लिए निकले, जिनमें से दो जब पानी के अंदर मौजूद थे तभी पानी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हमें पूरा यकीन है कि इस नजारे ने आपके भी होश उड़ा दिए होंगे, जहाँ ये दोनों ही डाइवर्स अगर एक इंच भी इधर उधर होते तो पक्का इन विशालकाय व्हेल का शिकार बन जाते। सच में दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों का इतने खतरनाक हादसे से बच जाना किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है, और शायद इसीलिए इस हादसे से बचने वाले डाइवर्स तक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। शुरुआत में तो इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि पानी के अंदर हाथ डालकर मछलियां पकड़ने का यह तरीका वास्तव में शानदार है, जहां ये बंदा लगातार एक के बाद एक मछली पकड़कर अपने बगल खड़े इंसान को थमाता जा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब मछली पकड़ने वाले इस लड़के की नाक को एक सांप बहुत ही तेजी से जकड़ लेता है, जिसके बाद ये कैसे झटपटाता है अब खुद ही देख लो। वो तो बगल में खड़े शख्स ने मछली पकड़ने वाले इस लड़के को सांप से बचा लिया, वरना तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि सांप की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि अगर उसका बस चलता तो इस लड़के की नाक ही निगल जाती। वैसे दोस्तों, हमारे हिसाब से ये वीडियो पूरी तरह से असली है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस लड़के ने खुद ही जिंदा सांप को अपनी नाक में लगाया और फिर दर्द होने की एक्टिंग करने लगा। अब आपके हिसाब से सच क्या है, और क्या कोई शख्स वीडियो बनाने के लिए सांप के साथ खिलवाड़ कर सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ जानवर बहुत प्यारे होते हैं और उन्हें देखकर ही उनसे प्यार करने का मन कर जाता है, लेकिन शार्क के मामले में ऐसा करना अपनी कब्र खोदने के बराबर है, क्योंकि डॉल्फिन की तरह फ्रेंडली नहीं होती और न ही कुत्ते बिल्लियों की तरह वफादार होती है, बल्कि शार्क मछलियाँ तो दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है, जिन्हें देखकर उनसे दूरी बना लेने में भलाई है, वरना अगर आप इस बेवकूफ इंसान की तरह उसे प्यार करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा आपके सामने है। तो देखा आपने किस तरह जैसे ये शख्स शार्क को सहलाने के लिए हाथ पानी में डालता है, वैसे ही शार्क इसके हाथ को खींचने की कोशिश करती है। वो तो जैसे तैसे जनाब बच गए, वरना तो आज इनकी ये बेवकूफी इनकी जान लेकर ही मानती। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो जरा यहाँ देखिए, क्योंकि इस वीडियो में एक महिला शार्क को अपने हाथों से कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। अब पता नहीं इन मैडम के दिमाग में ऐसी कौन सी सनक सवार थी कि इन्हें लगा इस शार्क को किसी छोटे बच्चे की तरह खाना खिला देंगे, और इनकी इसी सोच ने इनका बंटा धार कर दिया, क्योंकि जैसे इस महिला ने अपना हाथ शार्क को खिलाने के लिए नीचे रखा, वैसे ही शार्क ने इसकी उंगली पकड़कर घसीट लिया। खुशकिस्मती से महिला ऐन वक्त पर संभल गई। हाँ, भले ही इसकी उंगली पर थोड़ी सी चोट आई हो, लेकिन कम से कम इसकी जान तो बच गई, और उंगली में लगी चोट के बाद उनके दिमाग में तो ये बात भी अच्छी तरह से फिट हो गई कि शिकारी जानवरों को पालतू समझना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, पिराना मछली कोई ऐसी वैसी मछली नहीं है, बल्कि पानी की दुनिया में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है, जो अपने शिकार को किसी मशीन की तरह चुटकियों में काट कर खा जाती है, और इस चीज का जीता जागता सबूत आपकी आंखों के सामने है, जहां पिराना मछली अपने सामने खाना देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे उसने आज से पहले कभी कुछ खाया ही ना हो। अब आप सोच लीजिए, जिस मछली के अंदर एक ही मिनट में अपने शिकार को काट कर हजम करने की ताकत हो, वो भला किस लेवल तक खतरनाक होगी।
इसलिए दुनिया में कोई भी गलती करना, लेकिन उस पानी में जाने की गलती बिल्कुल मत करना जहाँ पर पिराना मछली है, वरना खुद भगवान भी आकर आपको बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि ये मछलियाँ न सिर्फ दूसरी मछलियाँ के मांस को खाती है, बल्कि एक पिराना मछली दूसरी पिराना मछली को भी भूख लगने पर जिंदा नहीं छोड़ती। शार्क मछली के साथ उंगली करने का अंजाम क्या होता है, ये तो कुछ देर पहले आपने देख लिया, लेकिन अब जरा आप ये देखिए तब क्या होता है जब कोई इंसान अपने आप को तुर्रम खान समझकर जेट स्की की मदद से शार्क का पीछा करता है। अब इन भाई साहब को समझ में आ गया होगा कि शार्क के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि जब ये उसका पीछा कर रहे थे तभी शार्क की नजर इस पर गई, और भला शार्क किस इंसान को देखकर कैसे पीछे हट सकती थी। इसीलिए उसने भी इस आदमी पर झपट्टा मारने में बिल्कुल भी देर नहीं की। वो तो ये कुछ ज्यादा ही किस्मत वाले थे कि बेवकूफी करने के बावजूद बच गए, वरना तो अगर जरा सा भी इधर उधर होता तो उनकी सारी हीरोगिरी धरी की धरी रह जाती। अब तक आप लोगों ने केवल ये चीज सुनी होगी कि कभी भी एनाकोंडा सांप इंसानों पर बिना किसी डर या फिर गलती के हमला नहीं करते, लेकिन जब आप ये देखोगे वो बिल्कुल अलग है। जहां एनाकोंडा सांप इस आदमी को नाव पर बिना किसी छेड़छाड़ के चढ़कर हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से बैठे इंसान की हालत खराब हो गई और वो अंदर से कांप उठा। लेकिन यहाँ पर तो कहानी अलग ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि ये लोग खुद एनाकोंडा के छुपने की जगह तलाश कर रहे थे। अब न जाने इनके दिमाग में कौन सी सनक सवार थी कि एनाकोंडा जैसे सांप से पंगा लेने की कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि अगर ये एनाकोंडा चाहता तो एक ही बार में इन लोगों को इनकी औकात पर ले आता। दोस्तों यहाँ पर दो अनुभवी फिशरमैन मछलियाँ पकड़ने के लिए निकले, जिनमें से एक मछली को कांटे में फंसाकर ऊपर की तरफ खींचने में लगा हुआ था और दूसरा इसकी वीडियो बना रहा था। और जैसे ये मछली कांटे में फंसी, इन्होंने तुरंत उसे देखा और इन दोनों की हवाइयां उड़ गई, जिसके बाद डरते हुए इन्होंने मछली को अपनी बोट पर रखा। अब आप सोच रहे होंगे भला इतने अनुभवी फिशरमैन इस मछली से क्यों डर रहे हैं, तो इसके लिए जरा इस मछली का परिचय भी सुन लो। ये कोई आम मछली नहीं है, बल्कि बाराक्यूडा फिश है, जो न सिर्फ साइज में बड़ी होती है बल्कि इसके जबड़े बड़े मजबूत होते हैं, और इसके दांतों की बात तो करो ही मत, क्योंकि वो चाकू की धार से भी ज्यादा तेज होते हैं। ऐसे में इस मछली को देखकर कोई भी इंसान डरने लगेगा, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो। अगर इन सारी चीजों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो दोस्तों ये मछली आमतौर पर जहरीली होती है, इसलिए इसे खाया भी नहीं जा सकता, मतलब हर तरह से खतरनाक है। तभी तो मछली को देखते ही दोनों होश उड़ गए। अब इतना कुछ देखने के बाद आपको एक बात तो यकीन हो गई होगी कि मछलियां पकड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जब आप पानी के अंदर मछलियां पकड़ने जाते हैं तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब कौन सी करवट ले ले। फिर सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि बर्फ के ऊपर से भी मछलियों को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यकीन नहीं आता तो जरा यहाँ देखिए, जब चाइना में ठंड के मौसम में जमी हुई बर्फ के अंदर से ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तो इनमें से एक फिशरमैन जब मछली को बाहर की तरफ घसीटने की कोशिश करता है तो मछली खुद उसे अपनी तरफ घसीटना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बर्फ के नाजुक हिस्से पर जाकर वो गिर जाता है। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर लोगों ने इसकी मदद करके इसे बाहर घसीट लिया, वरना मछली पकड़ने के चक्कर में इनका बंटा धार हो जाता। अब हमारी इस वीडियो में भले ही किसी इंसान को चोट न लगी हो, लेकिन इसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि पानी में रहने वाले विशालकाय और खतरनाक जीव केवल हम इंसानों के लिए खतरा नहीं है बल्कि वो बाकी जीवों के लिए भी मौत का सबब बन जाते हैं। तभी तो जब कुछ फिशरमैन अलास्का में मछलियां पकड़ने निकले तभी उन्होंने देखा कि दो किलर वेल लगातार एक ही जगह पर इधर उधर घूम रही है। शुरुआत में तो इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जैसे इन्होंने एक सी ऑटर और उसके बच्चे को देखा तो ये लोग समझ गए कि पक्का ये किलर वेल इनका शिकार करने के पीछे पड़ी है, और बदकिस्मती से किलर वेल्स ने सी ऑटर के बच्चे को अपने चपेट में ले लिया। पर जैसे तैसे माँ अपनी जान छुड़ाकर किनारे आई और उसने बिना सोचे समझे मछुआरों की नाव पर चढ़ने का फैसला किया ताकि वो अपने आप को बचा सके। नाव पर चढ़ने की वजह से ये तो बच गई, लेकिन आप इस जानवर के चेहरे पर अपने बच्चे को खोने का दुख साफ साफ देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था पानी की दुनिया का एक ऐसा सच जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।